क्या है कि मैं लगभग 17-18 जिले में केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं कॉमन मैन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो सहयोग राशियां आती है उसका रिव्यू किया है। कई योजनाओं में इस जिले की परफॉर्मेंस अच्छी है, विशेष करके आधार से जोड़ने वाला काम है, जमीन के बारे में डॉक्यूमेंट को जोड़ना है, बैंकों के साथ जोड़ना है, आधार कार्ड से जोड़ना है। जल जीवन मिशन में ज़रूर ये जिला पीछे चल रहा है और इसको 2024 तक पूरा करना है उसकी दृष्टि से है। कुछ जहाँ जहाँ मुझे कुछ कमियाँ ध्यान में आई वो इनके ध्यान में लाया। कोशिश यह है कि कमियाँ निकालना नहीं, कमियों को कम करने के लिए हम मिल करके कैसे काम करें कि उन कमियों को दूर करके जिस जनता ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है उस जनता के जो भी उसके अधिकार है और जो भी उसको सहायता है वो ठीक प्रकार से पहुँचे और उस काम को अच्छी गति मिले। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी जिला सामान्य है। मैं सोचता हूँ कि कुछ आर्मी के लोगों से भी बॉर्डर का भी विशेष करके भूटान के बॉर्डर के साथ है। यहाँ जो विशेष करके बाढ़ के समय में जो नुकसान होता है, जो भूमि का कटान होता है, उसका अस्थायी हल क्या हो सकता है उसके बारे में भी। सामान्यतः मुझे डॉक्टर से पदों का तो ज़रूर मैंने देखा था, लेकिन एक तो क्या है कि अब ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है उसके बारे में बताया था। डॉक्टर की कमी है, अगर कलेक्टर डीसी यहाँ से मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करके उसकी पूर्ति करने का प्रयास करूँ। क्या है कि मैं लगभग 17-18 जिले में केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं कॉमन मैन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो सहयोग राशियां आती है उसका रिव्यू किया है। कई योजनाओं में इस जिले की परफॉर्मेंस अच्छी है, विशेष करके आधार से जोड़ने वाला काम है, जमीन के बारे में डॉक्यूमेंट को जोड़ना है, बैंकों के साथ जोड़ना है, आधार कार्ड से जोड़ना है। जल जीवन मिशन में ज़रूर ये जिला पीछे चल रहा है और इसको 2024 तक पूरा करना है उसकी दृष्टि से है। कुछ जहाँ जहाँ मुझे कुछ कमियाँ ध्यान में आई वो इनके ध्यान में लाया। कोशिश यह है कि कमियाँ निकालना नहीं, कमियों को कम करने के लिए हम मिल करके कैसे काम करें कि उन कमियों को दूर करके जिस जनता ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है उस जनता के जो भी उसके अधिकार है और जो भी उसको सहायता है वो ठीक प्रकार से पहुँचे और उस काम को अच्छी गति मिले। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी जिला सामान्य है। मैं सोचता हूँ कि कुछ आर्मी के लोगों से भी बॉर्डर का भी विशेष करके भूटान के बॉर्डर के साथ है। यहाँ जो विशेष करके बाढ़ के समय में जो नुकसान होता है, जो भूमि का कटान होता है, उसका अस्थायी हल क्या हो सकता है उसके बारे में भी। सामान्यतः मुझे डॉक्टर से पदों का तो ज़रूर मैंने देखा था, लेकिन एक तो क्या है कि अब ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है उसके बारे में बताया था। डॉक्टर की कमी है, अगर कलेक्टर डीसी यहाँ से मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करके उसकी पूर्ति करने का प्रयास करूँ।